नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ SMII। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नए नए आइडियाज़ और नए नए स्टॉक्स पेश करते रहते हैं। दोस्तों, आज भी हम आपको एक लार्ज कैप पावर सेक्टर के स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी है। सो इसलिए दोस्तों, आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। पर सबसे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा है वो स्टॉक और उसके बारे में क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। सो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल हैज़ ए बाई कॉल ऑन NTPC विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹141। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल हमारे देश की काफ़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है और उसने NTPC पे बाई कॉल दी हुई है। दोस्तों, इसका टारगेट जो है ₹141 पे निकल कर आ रहा है और जो इसकी करंट प्राइस है दैट इज़ नियरली ₹105। सो इसलिए दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें बहुत ही बड़े ग्रोथ पोटेंशियल निकल कर आ रहा है और आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे जो है टारगेट्स अचीव करता दिख सकता है। पर दोस्तों, हम आज के वीडियो के माध्यम से आपको लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन भी देने जा रहे हैं और शॉर्ट टर्म में भी आपको रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आइए NTPC के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सो दोस्तों, NTPC वाज स्टार्टेड इन 1975 और ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ ₹1,02,784 करोड़ नियरली। दोस्तों, इसका जो मेन बिजनेस है दैट इज़ इन द पावर सेक्टर। दोस्तों, ये पावर सेक्टर में काम करती है और ये डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर काम करती है। एंड इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन द थर्मल पावर जनरेशन। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसका जो है चार्ट पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक दिन का तो इसका पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। तो एक दिन में इस स्टॉक में 1.12% के जो थी राइज देखा गया है और ये जो स्टॉक था 26 मार्च को 3:30 PM पे 104.15 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था। आइए दोस्तों, सबसे पहले इसका 5 दिन का पैटर्न भी स्टडी कर लेते हैं। तो 5 दिन के रिटर्न्स इसके बहुत ही नेगेटिव निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। तो 5 दिन में ये जो स्टॉक था ये 3.52% नीचे गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन हो रही थी तो अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में भी करेक्शन जो थी वो देखी जा सकती है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका 1 मंथ का पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। तो 1 मंथ का जो पैटर्न है वो भी नेगेटिव निकल कर आ रहा है दोस्तों। तो 1 मंथ में इसने अपने इन्वेस्टर्स को -3.96% के रिटर्न्स दिए हैं और ये नेगेटिव रिटर्न्स है। यदि दोस्तों हम इसका सपोर्ट लेवल ढूंढें तो पहला सपोर्ट लेवल इसका 110 के राउंड निकल कर आ रहा था जो इसने तोड़ दिया है, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल है दैट इज़ नियरली 103। दोस्तों, दो सपोर्ट लेवल इसके बहुत ही अच्छे निकल कर आ रहे हैं और दोनों पे इसको बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और दोस्तों, यदि ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल से ऊपर रहता है तो इसमें ब्रेकआउट भी देखा जा सकता है। अदरवाइज दोस्तों, ये क्या कर सकता है, यदि ये स्टॉक 103 रुपीज़ के नीचे आ जाता है तो इसको और इसमें करेक्शन देखी जा सकती है और ये जो स्टॉक है 100 से भी नीचे जा सकता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म का पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका 6 मंथ का पैटर्न देख लेते हैं। तो 6 मंथ में इसने बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हुए हैं और इस स्टॉक ने 19.3% की रैली जो है वो शो की हुई है। उसका जो जो दोस्तों जो चार्ट पैटर्न है वो भी क्वाइट पॉजिटिव निकल कर आ रहा है और ये लीनियरली एंड स्लोली स्लोली ऊपर ही मूव कर रहा है। दोस्तों, यदि हम इसका 1 साल का पैटर्न देखें तो 1 साल का पैटर्न बहुत ही वॉलेटाइल निकल कर आ रहा है और इसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन निकल कर आ रहे हैं। छोटी छोटी करेक्शन और बड़ी करेक्शन भी देखी जा सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इसके जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव हैं, दैट इज़ 27.40%। इन ओवरऑल दोस्तों इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हुए हैं। बट दोस्तों, ये जो स्टॉक है बहुत ही वॉलेटाइल है, इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे आप इस स्टॉक में कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। आप सिप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, पर आप बाई ऑन डिप्स जरूर करें। जैसे ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है, जैसे कि हमने आपको कुछ सपोर्ट लेवल बताए हैं, यदि ये आपको 100 रुपीज़ के नीचे ये स्टॉक मिलता है
तो आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बाई करते रहिएगा। जब भी ये मार्केट डाउन आती है, ये स्टॉक डाउन आता है, तो आप इसको ऐड करते रहिएगा। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको तभी अच्छे रिटर्न जो है वो मिल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका फाइनेंशियल पैटर्न स्टडी करेंगे हम, और इसके सबसे पहले दोस्तों 3 ईयर CAGR ग्रोथ देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसका रेवेन्यू देखें, तो रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज एट 10.6% फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो नेट प्रॉफिट दोस्तों जो है दैट हैज़ बिन इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 2.7% एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज़ बिन इंक्रीज एट 13.6% CAGR ग्रोथ। आइए दोस्तों सबसे पहले इसका जो जीरो जीरो बेसिस पे जो भी इसके दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो रेवेन्यू है दैट हैज़ बिन इंक्रीज एट 8.32% एंड द जो इसकी नेट इनकम है दैट हैज़ आल्सो इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 18.48% एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज़ आल्सो इंक्रीज बाई 9.35%। तो बहुत ही पॉजिटिव दोस्तों रिजल्ट इसके निकल कर आ रहे हैं, जो कि दिसंबर क्वार्टर में इसने जीरो ऑन जीरो बेसिस पे बहुत ही बढ़िया पेश किए हुए हैं। तो आइए दोस्तों पहले इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। जो रेवेन्यू है हम स्टडी करेंगे कि लास्ट ईयर में किस तरह वेरी किया हुआ है। तो ये साल का दोस्तों हमने चार्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर में इसका जो रेवेन्यू था दैट वॉज नियरली 26K करोड्स। एंड दोस्तों आप देख सकते हो दिसंबर 20 में जो है इसका जो रेवेन्यू है दैट हैज़ बीन रीच्ड एट नियरली 28K करोड़। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसमें जो स्लाइट अप ट्रेंड निकल कर आ रहा है, और ये स्टॉक जो है बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, कंटिन्यूसली अच्छा रेवेन्यू जो है वो पेश कर रहा है। अब दोस्तों हम इसकी जीयर ऑन जीयर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे। ये यहाँ पे हमने दोस्तों 5 साल का चार्ट पैटर्न आपको दिखा रखा है। तो 2016 में यदि हम दोस्तों इसका देखें रेवेन्यू, रेवेन्यू वाज नियरली 75K करोड्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बढ़ के 2020 में 100 से भी ऊपर चला गया है, नियरली 110K अराउंड जो है वो मिल पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही लीनियर ट्रेंड दोस्तों इसके रेवेन्यू में की ग्रोथ में निकल कर आ रहा है, और इसकी जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली इम्प्रूव ही होता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है, बहुत ही बढ़िया इसके जो है साइन निकल कर आ रहा है। दोस्तों अब हम इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं 5 साल में कैसे वेरी किया हुआ है। तो दोस्तों यदि हम 2016 में देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज नियरली अब 10K करोड़, जो कि बढ़ के 2020 में 1,400,496 करोड़ हो गया है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों अप ट्रेंड देखा जा सकता है। और दूसरा हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज़ आल्सो क्वाइट कंसिस्टेंट एंड इट इज़ इंक्रीजिंग स्लोली। तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन निकल कर आ रहा है। आइए दोस्तों अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रमोटर्स के पास दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों। इसके प्रमोटर्स के आर हैविंग 51.1% ऑफ होल्डिंग इन दिस कंपनी। द एफ आई आईज आर हैविंग 12.32%, द डी आई आईज आर हैविंग 33.59% एंड द पब्लिक इज होल्डिंग 2.98% होल्डिंग इन दिस कंपनी। द अदर्स आर हैविंग 0.01% होल्डिंग इन दिस कंपनी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है कैसे वेरी हो रही है। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग जो दिसंबर 19 में निकल कर आ रही है दैट इज 54.14%, और दोस्तों जो दिसंबर 20 में है इसकी जो होल्डिंग है दैट इज़ 51.1%। तो इसकी थोड़ी डिक्रीज हो गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ गोइंग अंडर डिवेस्टमेंट प्रोसेस, और अपना जो इसका शेयर होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली ऑफलोड करती जा रही है। आइए दोस्तों अब एफ आई आईज की होल्डिंग देख लेते हैं। तो पहले दिसंबर 19 में देखेंगे, तो दिसंबर 19 में इसकी जो होल्डिंग थी दैट वाज 12.76% एंड दिसंबर में हुए इसकी 12.32%, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। दोस्तों यदि हम डी आई आईज की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और दिसंबर में इसकी जो होल्डिंग थी दैट वाज 30.62%, जो कि बढ़ के दिसंबर 20 में 33.59% हो गई है। तो दोस्तों यदि हम पब्लिक की होल्डिंग देखें इसमें भी कुछ इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। दिसंबर 19 में जो पब्लिक थी दैट वाज होल्डिंग 2.47% एंड दिसंबर 20 में 2.98% होल्डिंग जो बढ़ के हो गई है। इसमें अप ट्रेंड जो है वो देखा जा सकता है। सो इन द एंड दोस्तों वी वांट टू से दैट दिस इज वन ऑफ द बस बेस्ट पावर सेक्टर PSU कंपनी। दोस्तों इस कंपनी को
हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन द वेरियस पीएसयू कंपनीज, और आइदर इट इज़ आल्सो गोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और दैट इज़ द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। तो इसलिए दोस्तों इस स्टॉक में आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। जैसे कि हमने आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाया, बहुत ही ब्यूलिश निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है इसको इन्वेस्ट करते रहें। यदि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमने आपको टारगेट बता दिया है 141, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस दे सकता है, बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसलिए दोस्तों आप सिप के थ्रू या बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसके फाइनेंशियल भी साउंड हैं और इसने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो शो की हुई है। तो इन द एंड दोस्तों भी थैंक्स यू फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। वी विल अपडेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स अगेन।